हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली रिव्यू। दोस्तों, आज मैं डिओड्रेंट की रिव्यू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास जो डिओड्रेंट है फ्रेंड्स, ये है फ्रॉम डव। आप ये देख रहे हैं, और ये जो है डव की न्यू डिओड्रेंट है, ऐसे यहाँ पर ये जो है मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ अ डव इवन टोन डिओड्रेंट। आप यहाँ पर इसे पढ़ पा रहे हैं, ये देखिए। और ये 48 आवर्स तक आपको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम बैड ऑडर। एंड इसमें 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हेल्थ रिस्टोर स्किन टोन, एंड 0% अल्कोहल है। एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 वीक में इसको हो गया है मुझे यूज़ करते करते, एंड बहुत सेटिस्फाइड होकर मैं इसकी रिव्यू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सी अलग अलग डिओड्रेंट्स यूज़ की हैं, स्पेशली निविया की, और मेरे पास करंटली निविया की है भी, जो मैं उन्हें रीपर्चेस करती रहती हूँ दोस्तों। और ये जो डव की डिओड्रेंट है, मैंने इसको यूज़ किया, इसके रिजल्ट्स भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगे हैं, वेरी नाइस, एंड हेल्प्स रिड्यूस स्किन टोन। तो देखिए, कई लोगों को जो होता है ना, वो सोचते हैं कि डिओड्रेंट लगाने से अंडर आर्म्स की स्किन जो है वो टैन हो जाती है, ब्लैक टर्न हो जाती है, तो इससे आपको वो शिकायत नहीं होगी। प्लस इसका जो स्प्रे का जो इसका फॉर्मूला है ना, ये क्रीमी सा इसका फॉर्मूला है, आप इसे अप्लाई करेंगे तभी आप इसे जान पाएंगे दोस्तों। और 0% अल्कोहल है, तो आपको इचीनेस या कोई आपको स्किन पे इरिटेशन ये नहीं देने वाला है। इसकी जो प्राइस है, दिस इज फॉर ₹240, ये ऑलमोस्ट 250 रुपये का आता है। और आपको इस पे आपको 150 ml/89 g की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ये बॉटल है, पिंक कैप है, एंड डव का प्रोडक्ट है। तो डव इज़ स्पेशली मेड फॉर गर्ल्स दोस्तों। डव के जो सोप्स आते हैं मार्केट में, और फेस वॉश, एंड डव के शैम्पू भी बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम करते हैं बालों पे। एंड ये जो डिओड्रेंट है डव की, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी फ्रेग्रेंस मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से ओपन होता है, एंड हल्का सा इसको ज़रा सा आप शेक कर लीजिए। ये गैस कंटेन करती है गाइज, येस दोस्तों, ये वाटर वाली नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, जस्ट सी, दिस इज वंडरफुल। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्रॉपर डव के जो क्रीम्स मार्केट में मिलते हैं, डव की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलती है, जो डव के सूप्स में जो एक मीठी सी एक फ्रेग्रेंस रहती है, उसी तरीके से है। प्रॉपर गर्ल्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और ये देखिए, ये 48 आवर्स तो हर एक डिओड्रेंट क्लेम करती है, पर 48 आवर इंडिया में तो मुमकिन नहीं है दोस्तों। इंडिया की ह्यूमिडिटी के हिसाब से, स्पेशली मुंबई की ह्यूमिडिटी के हिसाब से, मैंने जब इसे एक्सपीरियंस किया फॉर 1 वीक, मेरे हिसाब से ये 7-9 आवर्स ये टिकती है आपके अंडर आर्म्स की स्किन पे, बड़ी आराम से ये टिकती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा रीअप्लाई करना होगा। यस, पर अगर आप रात को जब अपनी स्किन केयर करते हैं, अगर आप रात को भी डिओड्रेंट अप्लाई करके सोना पसंद करते हैं, तो ये सी ओवरनाइट आपकी स्किन पे जो है टिका रहेगा, क्योंकि रात का समय थोड़ा ठंडा रहता है। आप अगर एसी में सोते हैं तो डेफिनेटली ये स्किन के साथ जो है टिका रहेगा 9-10 घंटे की, अगर आप नींद लेते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड बॉयज़ उसको ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई ऐसे वेमेंस डिओड्रेंट की रिव्यूज़ की है, जैसे निविया की मैं आपको कह रही हूँ, तो मुझे ऐसे बॉयज़ के भी काफ़ी ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि हम इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर गर्ल्स जिस तरीके की फ्रेग्रेंस यूज़ करना पसंद करती है, उसी तरीके की है। और दिन के समय ये आपको 7-8 घंटे तक देगी आपको प्रॉपर, ये आपके स्किन पे टिकी रहेगी। एंड मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है गाइज। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं मार्केट से, या आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। वैसे ये लोकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। ओके दोस्तों, और आप मेरे चैनल पे कई दूसरी विमेंस डिओड्रेंट की रिव्यूज़ देख सकते हैं। चाहे तो आप चैनल पे जाइए और सारी वीडियोस चेक करें, या तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं दोस्तों। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल डेली रिव्यू को। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ओके दोस्तों, और मेरी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर से चेक कीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।